हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ जो 21 फरवरी के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा और समझा होगा और वो वीडियो आपके काम भी आई होंगी, क्योंकि करंट अफेयर हमें कई एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बैंक, JKSSB, SSC और कई अन्य एग्जामों में। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टू प्रमोट नेटिव लैंग्वेज, विच डे इज सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन फरवरी 2022। अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज 21 फरवरी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बीन सेलिब्रेटेड इट्स 36 स्टेटहुड डे ऑन 20 फरवरी 2022? कौन सी फॉलोइंग स्टेट ने सेलिब्रेट किया है अपना 36 स्टेटहुड डे ऑन 20 फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 36 स्टेटहुड डे इन फरवरी 2022? किस स्टेट ने अभी सेलिब्रेट किया है अपना 36 स्टेटहुड डे इन फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रीमियर लीग टीम हैज क्रिएटेड अ वर्चुअल स्पेस इन द मेट्रो फॉर एंगेजमेंट विद द फैन कम्युनिटी थ्रू आउट द सेशन इन 2022? कौन सी फॉलोइंग IPL टीम ने अभी क्रिएट किया है वर्चुअल स्पेस इन मेटावर्स फॉर एंगेजमेंट विद द फैन कम्युनिटी थ्रू द सेशन इन 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात टाइटंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI इन फरवरी 2022? कौन बना है चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय SEBI इन फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज NR नारायण मूर्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ऑफर्ड $68 million इन फंडिंग टू IIFL होम फाइनेंस फॉर एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट इन द अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग सेगमेंट इन फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन ₹2100 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी टू प्रोवाइड क्रिटिकल कस्टमर सपोर्ट टू द कंट्री सिटीजन? किस कंपनी को अभी जीता है ₹2100 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी टू प्रोवाइड क्रिटिकल कस्टमर सपोर्ट टू द कंट्री सिटीजन? एंड द करेक्ट आंसर इज हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड किसान मोबाइल ऐप फॉर डिसिमिनेशन ऑफ एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विसेज इन फरवरी 2022? किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने अभी लॉन्च किया किसान मोबाइल ऐप फॉर डिसिमिनेशन ऑफ एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विसेज इन फरवरी 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज IIT रुड़की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड बाय द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? किसे अभी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है बाय द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज केन घोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड बाय दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? किसे अभी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है बाय दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज रणवीर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया विल होस्ट द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस विच ईयर? इंडिया अभी होस्ट करेगी 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस विच ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज 1983। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च इट्स कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड? किसके साथ अभी इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटर इज सेट टू लॉन्च अ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट विल डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द फार्मर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग
in all the implementing states. And the correct answer is Meri Policy Mere Haath. Our next question is question number 14. Which of the following has collaborated with Germany-based RWE Renewable GmbH to explore potential for the joint development of offshore wind projects in India? And the correct answer is Tata Power. Our next question is question number 15. Which of the following has been launched at the first Research Studies and Publication Center on Kashmir Shaivism in Jammu and Kashmir? Kisse abhi launch kiya gaya hai for the first Research Studies and Publication Center on Kashmir Shaivism in Jammu and Kashmir? And the correct answer is Kashmir Shaiva Institute. Our next question is question number 16. Kerala Startup Mission has announced a collaboration with which of the following to enable Kerala startups to join a wider network to leverage its program comprising mentorship and training of startup team for scaled-up solution? And the correct answer is Google. Our next question is question number 17. In February 2022, with which country has India agreed on a roadmap on blue economy and ocean governance? February 2022, ne kis country mein India ne agree kiya hai roadmap on blue economy and ocean governance? And the correct answer is France. Our next question is question number 18. Which of the following has launched a digital grid in Sydney, Australia to bring the company's global capabilities to the Australian market? Kisne abhi launch kiya hai digital grid in Sydney, Australia to bring the company's global capabilities to Australian market? And the correct answer is TCS. Our next question is question number 19. Pratap Bodolio passed away in February 2022. He was related to which of the following field? जो अभी प्रताप बोडोलियो की death हुई है February 2022 में वो किस field से related थे? And the correct answer is journalism. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज लीडिंग अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू विच कंट्री इन February 2022? अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी लीड किया है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू विच कंट्री इन February 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज UAE. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.